नहीं मैम कर दी। बारे में सर की पढ़ाई के बारे में डिसिप्लिन के बारे में कहे वो एक यादगार चीज़ है और इतना वो खुश थे कि सर से जो हमने सीखा उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस में भी जाकर वो बुनियादी चीज़ें जो थी वो हमें हर जगह पर काम। उस्ताद एक बेहतरीन किताब, एक बेहतरीन रहनुमा, एक बेहतरीन नमूना अमल, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सर के अंदर अल्लाह पाक ने जमा फरमाई हैं। और मैं तो अपने दोस्तों को बड़े ताज्जुब से बताता हूँ कि सर SST साइंस है और सर ने MA कर रखा है अरबी ज़ुबान, माशाल्लाह। ये बड़ी अजीब चीज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह कमालात दिखाए हैं और अल्लाह ने इनको बड़े इल्म से नवाजा है और अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो बाकी ज़िंदगी है वो भी इसी तरीके से बड़े आराम के साथ। स्कूल में आने का मकसद सिर्फ चंद किताबें रखना और अच्छे नंबर ले लेना नहीं, बल्कि अपने साथियों से और असातिज़ा से अच्छी बातें सीखना और बुरी बातों से बचना है। अच्छी तरबियत अच्छे असातिज़ा से पढ़ता है और उनकी नसीहतों पर अमल पैरा होकर भी हासिल हो सकती है। गले पर बहुत ज़्यादा किताबें लाद देने से वो आलम नहीं बन जाता। आलम सिर्फ वो इंसान बन सकता है जो मुबीन मनों ने इन किताबों का बारीक बीनी से मुताला करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहतमंद जिस्म दिया है, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इनका शुक्र बजा लाने के लिए अपने फराइज को ज्ञानदारी से पूरा करो, मुश्किल से गुजरना सीखो, इन पर गलबा पाना सीखो, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले। अच्छे किरदार के मालिक बनो। अच्छा किरदार क्या है? उसका रसूलुल्लाह के मुताबिक आदात और अतवार। मैंने अपनी सर्विस के दौरान अतल इम्कान कोशिश की है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से नवाजा जाए और यही वजह है कि आज भी आपका तलबा जब मिलते हैं बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं।